मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार शिमला वड़ा खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, मतलब इतना स्वादिष्ट लगेगा आपको कि बटाटा वड़ा भी खाना भूल जाएंगे आप एक बार। तो इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे हम बाइट लेके खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरीके से उठाएंगे और बाइट से काट कर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी एकदम। देखिए आपको दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कितना क्रिस्पी है। तो बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये सब है इंग्रेडिएंट्स, हमने ले लिया 1.5 प्याज, यहाँ थोड़ा सा फूल गोभी, हरे धनिया पत्ते, नींबू है और गाजर है, धनिया है, हरी मिर्ची है, देखिए फ्रेश शिमला मिर्च है। इन सभी को हमने धो लिया है। देखो यहाँ टमाटर भी है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लाल, हरी, ग्रीन, वाइट। यहाँ ले लिए 50 ग्राम हमने पनीर ले लिया है। और ये है पीनट है, इसको हमने भून लिया था और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो इन सभी को हम प्याज को कट कर लेंगे अच्छे से, बारीक चॉप कर लेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरीके से हमने सभी प्याज को चॉप कर लिया, इसको साइड कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे मिर्ची, मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया। अब हम गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब धनिया पत्ते भी चॉप कर लेंगे। अब हम ले लेंगे गोभी को भी, इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सभी को हमने चॉप कर लिया है। यहाँ बचा है पनीर, पनीर को भी छोटे पीस में काट लिया है। अब यहाँ ले लिया हमने शिमला मिर्च, इसका टेल पार्ट निकाल देंगे और इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरीके से। बड़ा है तो इसमें अच्छा पीस निकल जाएगा। आप भी बनाना होगा तो इस तरीके से शिमला मिर्च लीजिएगा, देखिए इस तरीके से, ताकि आपका फ्रेश पीस निकले अच्छे से। अब इसका हम हेड भी निकाल देंगे, देखिए हेड और टेल हम निकाल देंगे, इसका वेस्ट पार्ट। और इसका जो बीज का है, बीज है, इसको देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है, एक रिंग टाइप बन के रेडी हो गया। देखिए इसको हम वेस्ट पार्ट निकाल देंगे और देखिए रिंग जैसा बन के रेडी हो गया। इसी प्रकार हमें सभी को रेडी करना है, देखिए इस तरीके से। देखिए सारी हमारी वेजिटेबल्स कट चुकी हैं, देखिए सभी वेजिटेबल्स कट चुके हैं, पनीर कट चुकी है, शिमला मिर्च कट चुका है। अब ले लेंगे एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम पनीर जो हमने काटे थे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारी पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। बचे हुए तेल में डाल देंगे हम बारीक चॉप की हुई अनियन, इसको हमें 25 से 30 सेकेंड भूनना है। भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सारी वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई कॉलीफ्लावर्स, कैरेट्स, 2 बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली पीस। सभी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम भुनेंगे जब तक ये पक ना जाए, और इसको हम ढक के भी 1 से 2 मिनट पका सकते हैं। देखो जैसे जैसे पक रहा है इसका कलर थोड़ा से चेंजेस हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा से बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, यहाँ डाल देंगे थोड़ा से ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा रेड चिल्ली, थोड़ा डाल देंगे स्वादानुसार नमक। देखिए इनको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए लगभग हमारी 90% सब्जियां कुक हो चुकी हैं।
अब इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर और इसको भी अच्छे से हम इनके साथ भून लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्ज़ियाँ कुक हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे हमने जो पीनट को दरदरा मिक्सी में पीसा था उसको ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इनके बाद ऊपर से डाल देंगे हमारी धनिया पत्ते। देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। देखिए पास से आपको दिखाते हैं तो इधर ठंडा हो रहा, तब तक ले लेंगे थोड़ा सा बेसन, उसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसको पतला बैटर बना कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब ले लेंगे हम फिलिंग। देखिए ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब ऐसे हम जो हमने शिमला मिर्च काटी थी रिंग, उसको रख लेंगे हथेलियों पर और उसमें ऐसे हम फिलिंग को फिल कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से टाइटली फिल करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, अगर लूज़ रहेगा तो निकल जाएगा। देखो टाइटली हमने इसको कर लिया। इस तरीके से हम सभी को कर लेंगे। देखिए अब हमने ले लिया वही फ्राई पैन ले लिया है, थोड़ा सा धो के उसी में डाल देंगे ऑयल। हमें ध्यान रखना है कि हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सैलो फ्राई ही करना है। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस, थोड़ा सा और फ्लेवर में इन्हेंस हो जाएगा। तो हमने डाल लिया थोड़ा सा नींबू का रस। अब इनको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। देखिए तब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। अब हम लेंगे, देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसको हम इसमें डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे इसके ऊपर बेसन का घोल जो हमने बनाया था, और इसमें एक एक करके हम सभी को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और एक खाने में इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी होता है ना, आप बार बार खाना चाहोगे। तो ऐसे अच्छे अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तो देखिए अब हम इसको पलट लेंगे, दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी सेक लेना है इसको। 2 मिनट लिए इसको हम ढक के भी पका लेंगे ताकि कोई कसर ना रह जाए। देखिए तो हमें बीच में पलट देखेंगे, एकदम क्रिस्पी हो गया है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप पटाटा वड़ा खाना भूल जाएंगे इसके आगे। देखिए कितना टेस्टी है, बन के हमारे रेडी हो गया है, खाने के लिए तैयार है। मेहमान आए या आपका दिल कुछ नया खाने का मन करे तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए, यकीन मानिएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस रेसिपी को खा के। देखिए हमारा बन गया, तो इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।